बिरमो विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने पूरा दमखम झोंक दिया है। वो लगातार प्रचार अभियान चला रहे हैं। उनसे बात की सहयोगी राजेश कुमार ने। दो सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें से एक है बिरमो विधानसभा क्षेत्र, जहां सीधा मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। हम है बिरमो में और यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह के सुपुत्र कुमार जयमंगल, जिन्हें अनूप सिंह के नाम से भी जाना जाता है। हमारे साथ हैं अनूप सिंह। कई आरोप इन पर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं, इन पर हम इनका जवाब चाहेंगे। अनूप जी, ये बताइए कि पहली दफा चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, चुनाव प्रत्याशी के रूप में पहली बार लड़ रहा हूँ, लेकिन चुनाव हम लोग हमेशा से एक संगठन के रूप में और अपने पिता के सेनापति के रूप में, मैं 4 विधानसभा 4 लोकसभा और 1 निकाय चुनाव लड़ चुका हूँ और पिछला चुनाव मिलाएं तो 5 विधानसभा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि पिता के नहीं रहने पे निश्चित तौर पर चुनौती तो है, लेकिन जिस तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा है वो काफ़ी मजबूती दे देता है मुझे अपने आप में अंदर से। लेकिन लोग मुझसे विधायक के रूप में नहीं, राजेंद्र बाबू के रूप में देखना चाह रहे हैं। शायद वो कहीं ना कहीं मेरे लिए वो चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि मैं विधायक तो बन सकता हूँ लेकिन राजेंद्र बाबू बनना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन शायद उनके संस्कार और उनके परवरिश के आधार पर, जिस तरीके से उनसे मैं सीखा हूँ, उस तरीके से उन जैसे वो काम करते थे वैसा काम करूँ तो शायद आगे उनकी भी कमी हम लोग दूर कर पाएंगे। अनूप जी, ये बताइए कि आपके पास पूंजी के तौर पर राजेंद्र बाबू की शख्सियत है या भी आपका भी कुछ अपना बना बनाया जमीन है? देखिए, पिता वो ज्यादा खुश होता है जिसका बेटा के नाम से पिता जाना जाए। मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं जीते जी अपने पिता का नाम रोशन नहीं कर पाया। पिछले चुनाव वो नहीं लड़ना चाह रहे थे, उन्होंने लिख के भी दिया था कि मेरी स्वास्थ्य खराब है। शायद वो नहीं लड़े होते तो हमारे बीच में जीवित रहते, लेकिन आज जब वो नहीं है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने पिता को श्रद्धांजलि के रूप में उनके नाम को जीवित रखने का प्रयास कर सकूं। जी, आगे हम बढ़ेंगे कि आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपको अगर जीता के यहाँ की जनता भेज दे तो ये क्षेत्र बिरमो जो है झरिया बन जाएगा, ऐसा क्या है? आप कहीं कुछ गड़बड़ करेंगे क्या? मैं बीजेपी की मानसिकताओं पर सवाल नहीं उठाना चाहता हूँ, लेकिन जो लोग इस तरीके का बयान देते हैं ना, वही पार्टी को बदनाम करते हैं। जिन्होंने भी ये बयान दिया है वो पार्टी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी को सींचा जाता है कैडर से। और आज झरिया में बीजेपी ने विधायक का सीट जीता और सांसद का सीट जीता तो कोई बीजेपी के दम पर नहीं जीता, वही सूर्यदेव सिंह जी के खानदान के नाम पर जीता, वही पीएन सिंह जी के खानदान के नाम पर जीता, वही राज सिन्हा जी के नाम पर जीता। और आज बीजेपी के लोग और प्रदेश अध्यक्ष और भानु प्रताप शाही जी खुद अगर ये बोल रहे हैं कि झरिया और धनबाद नहीं बनना देंगे तो वो मुझे गाली नहीं दे रहे, वो मानते हैं कि उनके लोगों ने झरिया और धनबाद को खराब किया। यहाँ पर कई बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोग आ रहे, प्रदेश स्तर के अर्जुन मुंडा जी आए गए, रघुवर जी भी आए गए, आगे भी आएंगे। एक प्रकरण है ढुल्लू महतो का, वो उसमें क्या लगता है आपको? देखिए, वो उनकी मानसिकता है, उनको बीजेपी सरकार में इतना ज्यादा श्रेय मिल गया था, इतनी ज़्यादा वर्चस्व की राजनीति करने का एक हाथ ऊपर से अनुराग गुप्ता एडीजी हुआ करते थे, उनका आशीर्वाद मिला हुआ था, तो वो चाहते थे कि कुछ भी वो कर ले और करके निकल जाए। लेकिन ये सरकार हेमंत सोरेन जी की सरकार, और मेरे को तो समझ में नहीं आता है कि जिस माफियागिरी का बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, वो सबसे पहले ढुल्लू महतो को क्यों नहीं सुधारते? आज युवाओं को देखें, आज बूथ कमेटी के सदस्य को देखें, मैं 365 दिन उनका काम करने का प्रयास करता हूं, तभी होता है। और पहले तो मेरे पिता जीवित थे तो मैं अपने पिता के ऊपर आश्रित था कि भैया वो जनता को देखने के लिए हैं, लेकिन आज मेरे पिता नहीं है। मेरे पिता के नाम को जीवित करने रखने के लिए मेरे को बिरमो विधानसभा के बीच में, उनके जनता के बीच में, उनके लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। और कोई भी बेटा नहीं चाहेगा कि अपने पिता के नाम को वो डुबाने का काम करे जिस पिता ने 50 साल में नाम कमाया। अनूप सिंह जी को पूरा भरोसा है कि इस बार इस क्षेत्र की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद सिंह जी के जो काम हुए हैं उसका आशीर्वाद भी इन्हें मिलेगा, उसका लाभ भी मिलेगा। और ये आश्वासन भी देते हैं कि जीतेंगे तो इस क्षेत्र की जनता के साथ ही रहेंगे। कैमरामैन राजा के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, बिरमो।